हेलो दोस्तों, दबंग 3 के पहले सॉन्ग की अनाउंसमेंट हो चुकी है और इस सॉन्ग को ब्लॉकबस्टर होने से कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि आप सभी को पता है दबंग फिल्म का सॉन्ग मुन्नी बदनाम हुई ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर सॉन्ग था और यह गाना अभी भी लोगों को पसंद आता है। और इसी को देखकर दबंग 3 के मेकर्स मुन्ना बदनाम हुआ सॉन्ग रिलीज करने की तैयारी में है, क्योंकि जल्द ही दबंग 3 का टीजर लॉन्च होगा। वहीं दबंग 3 की शूटिंग लगभग पूरी होने ही वाली है, इसी वजह से दबंग 3 मेकर्स इस गाने पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं और यह गाना काफी बड़ा आइटम सॉन्ग होगा। लेकिन इस सॉन्ग में मलाइका अरोरा नजर नहीं आएगी, क्योंकि अरबाज खान और मलाइका अरोरा का डिवोर्स होने के बाद इस सॉन्ग के लिए कोई नई एक्ट्रेस को लिया जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस सॉन्ग के लिए कैटरीना कैफ को भी लिया जा सकता है। दोस्तों, आप दबंग 3 का टीजर और मुन्ना बदनाम हुआ सॉन्ग के लिए कितने एक्साइटेड हैं? और क्या आपको भी लगता है यह सॉन्ग ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर होगा या नहीं, हमें नीचे कमेंट कर जरूर बताएं। और बॉलीवुड और सलमान खान से जुड़ी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल बॉलीवुड टेक को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस कर दें, जिससे हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहेगी।